القصص 28 14 15 ولما بلغ شده واستوى اتينا حكما وعلما وكذلك نزل المحسنين ودخل المدينه على حين غفله غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يَقْتَلَان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاث الذي من من شيعته على الذي من عدوه فوقزه موسى فقضى عليه कौलह मिन आम शैतान इन नदूब मदिलबीन और जब मूसा पहुँचा अपनी शिद्दत और ठीक ठाक हुआ हमने उसको हुक्म और हुकमत आए दी हुम दिया और हम एहसान करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं और मूसा मदीना शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुआ जब उसके अहल गफलत में थे बस उसमें से दो मर्दों को लड़ते हुए पाया एक उसके ईमान वालों के ग्रोह में से था और दूसरा उसका दुश्मन ग्रोह में से था यानी गैर ईमान वाला पर जो उसके ग्रोह में से ईमान वाले ने उसने अपने दुश्मन गैर ईमान वाले ग्रोह के ऊपर उसकी मदद चाही बस मूसा ने उसे घूसा मारा फिर पूरी कर दी उसकी जिंदगी और उस यानी मूसा ने कहा यह शैतानी शैतान के अमल से है बेशक वो वाज गुमराह करने वाला दुश्मन है यानी ये एक वाक़ है मूसा इस्लाम कौन है मूसा इस्लाम नबी और रसूल हैं और जनाब वो जब अपनी शदीद शिद्दत की उम्र को पहुँचे और ठीक ठाक हुए तो अल्लाह ने उनको क्या दिया और हुक्म और इल्म देखिए लिखा है हुक्म इल्मा लोग कहते हैं ये नबूबत से पहले की बात है मैंने कहा यहाँ लिखा है हुक्म दिया उनको आता हुक्म और इल्म दिया। तो मूसा के पास हुक्म भी है और इम भी है अब वो इस इल्म के साथ थे तो वो मदीना में दाखिल हुए जब उसके शहर के लोग गफलत में थे तो उन्होंने देखा वहां दो आदमी लड़ रहे हैं एक ईमान वाला है और एक गैर ईमान वाला एक मूसा की ग्रो का है मूसा इस्लाम का ग्रो का ईमान वाला और एक मूसा के दुश्मन का ग्रो वाला तो जो मूसा इस्लाम के ग्रो के ईमान वाले ने क्या चाहिए उससे मदद चाहिए मूसा सलाम से बचाओ ये मुझे मार रहा है ये दुश्मन ये दुश्मन जो है मुझे मार रहा है दुश्मन मुझे मार रहा है तो मूसा सलाम ने जाके उससे जाके उसको वाज नहीं किया उसको बचाया नहीं उसको आयत नहीं बताई उसको वजात नहीं की कि, उन्होंने क्या किया कि उसको जो हम सब चाहते हैं लड़ना घूसा मारा और मूसा सलाम का घूसा सोचिए आप और सलाम वैसे भी बड़े स्ट्रोंग किस्म की पर्सनैलिटी थी सामने उन्होंने तो घूसा जब मारा तो वो आदमी उनका इंटेंशन नहीं थी उनको मारने की कतल करने की इंटेंशन ऐसे घूसा मारा था हल्का सा मतलब पावरफुल घूसा था कि उधर ही उसकी जिंदगी पूरी हो गई उस किसकी जिंदगी पूरी दुश्मन की दुश्मन मारा गया तो वो कहते हैं कि ये काला हादल शैतान ये दुश्मन को कतल करना क्या है शैतानी अमल और हम दुश्मनों को मार रहे हैं क्योंकि दुश्मन को एजुकेट करना है हमारा काम सारे कवानीन अल्लाह का दीन इस्लाम है सलामती अल्लाह का दीन है ये और उससे जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो सजा देगा कौन इस दुनिया और आख़िरत में भी आपका नहीं है कोई आप सजा दें आपको जो बताइए बता दूंगा आगे लेकिन जो अल्लाह ताला के दुश्मन रसूल का दुश्मन लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो वो अल्लाह सजा देगा या आप अगर कोई जाति करें तो अल्लाह सजा देगा हर कोई अल्लाह ताला करेगा ना अल्लाह ताला के काम को अगर मैं नहीं फॉलो करे तो अल्लाह मुझे सजा देगा ना आप कौन होते मारने के लिए यहूदियों को ईसाइयों को और हिंदुओं को बुद्धिस्ट को पता है किस किस को मारने के आप चक्कर में तो इन सबको एजुकेशन मोहम्मद रसूल जब आए थे तो उन्होंने जब कुरान की वजहत की तो सारे कौन थे सामने मोमिन थे क्या कौन थे बोलो मुश्क और मुनाफिक और मुश्क थे ईसाई थे यहूदी थे तो वो ईमान लाए तो ईमान वाले बनाने की कोशिश करो भाई अगर हम आयत की वजात करेंगे तो लोग ईमान लाएंगे तो यही तरीकेकार मोहम्मद रसोल्ला ने वजात करके उन्हीं लोगों को जो दुश्मन थे ईसाई थे यहूदी थे और मुश्क थे वो ईमान लाए वरना कदर करते ये तो खतून पे कुरान नाजिल हो गया था मोहम्मद वसलम पे और वह अफसारों कदर करना शुरू कर देते ये तो दुश्मन है तो यहां जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मूसा सलाम ने यहां पर घूसा मारा इंटेंशन नहीं थी उनको वजात नहीं की उस और वो भी जो ईमान वाले थे उसको पुकारा था अपने दुश्मन के खिलाफ बुलाया तो उन्होंने जाके उसको वजात नहीं मार दिया घूसा मारने के इंतजाम मर गए वो वो आदमी तो वो कहते हैं काला हाद मीन आमले शैतान कहा कि ये तो अमल शैतान कर दिया मैंने ये अमल किया हुआ किसी को कतल करना दुश्मन को कतल करना क्या है ये अमल शैतान शैतान का अमल है और आगे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन मुबीन इसके मायने होते हैं कि बेशक शैतान जो है वाजे मुदिल कहते हैं वाजे मुबीन कहते हैं वाजे और मुदिल कहते हैं गुमराह बेशक वो वाजे गुमराह है वाजे गुमराह वाजे गुमराह करने वाला है अंदाजा करें कि उसने वाजे समझते वाजे गुमराह कर रखा है कि दुश्मन को मानना सही है कितनी वाजे गुमरा कर रखी है कि इंसान समझता है कि दुश्मन को मानना मेरा राइट है समझने में कहना इन नदूबिन बेशक शैतान जो है वो वाजे गुमराह कर रहा है अंदाजा करें आपके वो समझ रहा है कि एक दुश्मन उसको मानना राइट है मेरा तो वो फिर कहते हैं आगे सूर कसर ट्वेंटी काल अरबी इन जलम तु नफसी फ़फफली फ़र इन्नगफ़ूर और मूसलम ने कहा मेरे रब बेशक, मैंने अपने नफ़ पर जुल्म कर दिया यानी दुश्मन को मार कर शैतानी अमल कर दिया मैंने अपने नफ़ से जुल्म कर दिया बस मेरे लिए बख्शिश कर दे बस उसने उसके लिए बख्शिश कर दी तो आप याद रखें कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए इस तरह यानी दुश्मन को मारना राइट समझ है वाज गुमराह कर रखा है शैतान ने कि दुश्मन को मानना आपका राइट है तो मूसा असलाम जी कह रहे हैं उसने वाजह हमारा कर रखा है शैतान ने ये समझ के तो उन्होंने कहा कि मेरे मैंने अपने नफ़ से जुर्म कर लिया मूसा मूसल कह रहे हैं मैंने अपने नब से जुर्म कर लिया और मेरे लिए मुझे बख्श दे जो मैंने गलत काम किया और और अल्लाह ने उसके लिए बख्श दी बेशक वो बेश्शे वाला रहम करने वाला है हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें